यार शर्म आती है कि इन्होंने किया तो कुछ भी नहीं, लेकिन ये हद क्या कर रहे हैं। तो गेम्स के जरिए से, खेल के जरिए से, स्पोर्ट्स के जरिए से ये स्पोर्ट्समैनशिप पैदा होती है। और हार को हार नहीं समझना। सुल्तान महमूद गजनवी 17 हमले करके जीतता है, और इसी तरीके से अगर एक जनाब छोटा सा जो है वो जानवर जो है, मकड़ी जो है, वो चढ़ने के लिए जो है वो हजार मर्तबा नीचे गिरती है लेकिन अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचती है, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। तो आज इस खेल के अंदर मैं ये समझता हूं कि जिन्होंने खेला उन्होंने भी यही सीखा और जिन्होंने देखा उन्होंने भी यही सीखा। और इस वक्त जरूरत है कि पाकिस्तान की इस मुस्बत रवैये को, मुस्बत एटीट्यूड को और पाकिस्तान के इस मुस्बत बयानिए को हर फील्ड के अंदर उसको उजागर किया जाए, चाहे खेल का मैदान हो। किसी जमाने के अंदर मोहम्मद अली शेखी साहब यहाँ पे खड़े हैं, वो दो ही जो है ना वो हमारे गुलकार होते थे, एक आलमगीर साहब और एक मोहम्मद अली शेखी साहब, बड़ा नाम था। फिर इसी तरीके से इन्हीं के दौर के अंदर कभी जहांगीर खान, कभी जान शेर खान, कभी इमरान खान, और कभी इस तरह के नाम हमें नजर आते थे, कभी पोलू परवान नजर आता था हमें, तो वो पाकिस्तान का नाम रोशन होता था। कभी हॉकी के अंदर हम जीतते थे, यकीन जाने दिल दहकता था हमारा, हॉकी के मैचेस होते थे तो बीइंग अ पाकिस्तानी पूरा पाकिस्तान टीवी के सामने बैठा होता था। 80s की बात है, ये 70s के एंड की बात है, हमें जनाब समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, अख्तर रसूल, जनाब वो जनाब मंजूर जूनियर, मंजूर सीनियर, जनाब हसन सरदार, ये नाम हमें याद है। इसी तरीके से क्रिकेट के अंदर, इसी तरीके से स्क्वाश के अंदर, इसी तरीके से जनाब आपकी परवानी के अंदर, तो यही चीज हमने लेके आनी है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की क्यादत में हमने इस पाकिस्तान को दोबारा पूरी दुनिया के सामने एक बाइज्जत और एक बावकार कौम और नेशन के तौर पे हर फील्ड के अंदर, खेलों के अंदर भी हमने जनाब नंबर वन लेके आना है। वजह उसकी ये है कि हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे भाई, जीतेंगे। और अब बारी है नेशनल टाइकोंडो चैंपियनशिप 2020 की विनिंग टीम के लिए, चैंपियंस के लिए, और मैं चाहूंगा कि आप भरपूर तालियों में इनका इस्तकबाल कीजिए। द चैंपियंस ऑफ द नेशनल टाइकोंडो चैंपियनशिप 2020, पाकिस्तान आर्मी। Look at me guys, Pakistan Air Force,
Pakistan Taekwondo Federation.